आगे बढ़ने से पहले मैं हिंदी में थोड़ा इस कहानी के बारे में आपको बताना उचित समझता हूँ और कुछ कुछ अंग्रेजी भी बीच में बोलूँगा सो दैट यू कैन लिंक द टू हिंदी एंड इंग्लिश देर आर बेसिकली थ्री कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वन इज़ द स्टोरी टेलर द बॉय हिमसेल्फ फ्रेंस द सेकेंड इज़ द हेड मास्टर The name of the headmaster is Mr. Hamel, and the third is Hauser, the blacksmith. ये तीन मुख्य पात्र हैं, and the story goes that friends goes around to school, वो अपने स्कूल के लिए निकलता है, on the way रास्ते में उसे कुछ लोग notice board पढ़ते हुए दिखते हैं। एंड ही वंडर्स वॉट्स हैपनिंग उससे आश्चर्य होता है कि क्या बात है नोटिस बोर्ड के आसपास इतनी भीड़ क्यों है एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग रिलेटिंग वाट ही हैड हर्ड अर्लियर हो सकता है इस नोटिस बोर्ड में कुछ मिलिट्री आदेश हो हो सकता है जो हर साल होता रहा है कि हम लोग हार गए ऐसी कोई खबर हो हो सकता है कुछ मिलिट्री के रिक्रूटमेंट के बारे में सूचना हो सो ही स्टार्टिड यू नो वरिंग एंड देन मूव्ड अबाउट टू हिज स्कूल एंड ही स्टार्टिड लुकिंग लेफ्ट एंड राइट ऑल्सो एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द स्कूल कैम्पस एज ही रीच द स्कूल जब स्कूल पहुँचा तो जो छोटा सा स्कूल था उसके कैंपस का भी उसने एक दृश्य देखा चिड़िया चहचहा रही हैं पेड़ की बेलें चढ़ रही हैं कुछ शोर भी हो रहा है जो डेस्क का उठने पटकने का जो शोर क्लास रूम के अंदर होता है वो भी आ रहा ऐसा उसने महसूस किया लेकिन एज ही रीच द स्कूल आफ्टर लिविंग बिहाइंड नोटिस बोर्ड प्लेस ही फाउंड द स्कूल उसको लगा स्कूल पूरा शांत इतना क्यों है आखिर क्या बात है कि आज स्कूल शांत है ही पीप्ड into the द उसने क्लास रूम में झांका और देखा कि उनके मास्टर मिस्टर हेमल हु वॉज अदरवाइज ए वेरी टफ मैन विल्डिंग ए लाठी ए स्टिक ऑन हिज बनी हिज शोल्डर जो हमेशा एक लकड़ी पकड़ के भारी लकड़ी पकड़ के घूमते थे बच्चों को पिटाई करने के लिए वो एक जगह बैठे हुए थे क्लास में बच्चे भी बैठे थे सब कुछ शांत था डेस्क की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और साथ ही पीछे कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे अमंग दोज एल्डरली पीपल ही फाउंड द एक्स मेयर द एक्स पोस्टमास्टर एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड लॉट ऑफ एंड इवन हाउजर दैट ब्लैक स्मिथ हुआ सिटिंग विथ हिज थिक स्पेक्स अपने मोटे चश्मे के साथ वो भी वहाँ बैठा हुआ था अपने पैर के ऊपर प्राइमर रखा हुआ ही अटकेप्ट प्राइमर ऑन हिज लेग्स एंड देन ओवर इट वॉज हिज स्पेक्स

मास्टर पढ़ाते रहते थे मैं किसी तरीके से कक्षा के अंदर घुस के अपनी जगह पर बैठ जाता था अदर डेज आई यूज टू एंटर इनटू द क्लास अनोटिस्ड बाय एनी वन बिकॉज एवरीबडी वुड बी बिजी इन हिज वर्क एंड सो क्वाइटली कूलली आई वुड टेक माई प्लेस एंड स्टार्ट माई वर्क बट टूडे वॉज अ प्रॉब्लम एवरीथिंग वॉज पीसफुल देर वॉज नो वर्क गोइंग ऑन एक्सेप्ट एवरी वन सिटिंग एट देर प्लेसेज एंड सो ही स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू गो शुड आई बंग द क्लास क्या मैं क्लास से निकल जाऊँ और वह जो सुंदर सुंदर खेल के मैदान हैं वहाँ पर चला जाऊँ चिड़िया के अंडों को पकड़ूँ जो मैं कई बार करता था बट समहा आई मस्टर्ड माई करेज फ्रेंस दैट लिटल बॉय ही सेज कि मैंने अपना ताकत जुटाई और दरवाजा खोल कर मैं अंदर गया विथ माई हेड डाउन सिर नीचा करके शर्मिंदा होते हुए मैं क्लास के अंदर घुसा द मोमेंट मिस्टर हेमल स्वामी द हेड मास्टर दिस टाइम ही डिंट से एनी थिंग उन्होंने कुछ नहीं कहा जस्ट लिटल बॉय गो एंड टेक योर प्लेस आई वॉन्ट गेट एंग्री एट यू टूडे एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ शांत दिख रहा है बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जहां मिस्टर हैमल का भी रवैया बदला हुआ है एनी वे आई वेंट टू माई प्लेस सेट डाउन ओपन द डेस्क पिक अप द बुक बैठ गया बैठने के बाद मिस्टर हैमल ने जो बात की वह इस कहानी का सार है मिस्टर हैमल ने तीन बातें की फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेट ही मेड एन अनाउंसमेंट एंड दैट वॉज आज मेरा आखिरी दिन है यह मेरा आखिरी पाठ है दिस इज माय लास्ट लेसन एंड टुडे इज माय लास्ट डे फ्रॉम टुमारो ए न्यू मास्टर विल कम एंड विल टीच यू जर्मन लो यहाँ तो हम फ्रेंच पढ़ने आ रहे थे रोज और फ्रेंच वैसे ही मुझे समझ में नहीं आती थी ज्यादा और यहाँ तो अब जर्मन कल से पढ़ाया जाएगा तो क्या मैं स्कूल आना बंद कर दूंगा फ्रेंच ने सोचना शुरू कर दिया स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट इज दिस न्यूज फर्दर ही हर्ड मिस्टर हेमल सिंग खबर आई है कि एल लोरेन जो ये एरिया है ये हम हार गए हैं जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया है और इसलिए कल से जर्मन फौजें यहां आ जाएंगी और यहाँ पे जर्मन से खाया जाएगा द अनाउंसमेंट मेड बाय मिस्टर हेमल दूसरी बात उन्होंने तो कही कोई बात नहीं मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि फ्रेंच सीख लो कक्षा में नियम से आओ थोड़ा सीरियस हो लेकिन आप लोग कल करेंगे आई यूज टू टेल यू एवरी डे दैट प्लीज लर्न फ्रेंच दिस इज योर मदर लैंग्वेज दिस योर मदर टंग हैव प्राइड इन इट बी रेगुलर एंड कम रेगुलरली बट सम ये जो फ्रेंच और बाकी जो एलदेस लोरेन के लोग हैं उनकी आदत की तरह टालने की बात कल करेंगे वी विल डू इट टुमारो ऑफ कोर्स आई एम आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू से उन्होंने आगे कहा मैं भी जिम्मेदार हूं मैं भी कई बार आप लोगों को छुट्टी दे देता था मछली मारने के लिए जब मैं चला जाता था तो आप लोगों को छुट्टी दे देता था सो दिस मिस्टर हैमल ऑल्सो रिपेंटिंग एंड ब्लेमिंग हिमसेल्फ ऑल्सो फॉर द पुअर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ फ्रेंच अमंग द स्टूडेंट हुट कम इट अपियर दैट दे ऑल टू इट वेरी लाइटली उन्होंने सबने हल्का लिया था और आज मिस्टर हमल से नाउ टुडे द फ्रेंच विल बी गॉन देन ही गेव ए मैसेज डियर चिल्ड्रन अपनी मातृभाषा से प्यार करना फ्रेंच इज यो मदर टंगट अ ग्रेट लैंग्वेज बहुत रैशनल और वैज्ञानिक भाषा है और अपनी भाषा से मोह यदि करते हैं तो जेल से भी निकलने की चाबी मिल जाती है इन केस यू लव योर लैंग्वेज यू लव योर मदर टंग इट इज अ की टू गेट आउट ऑफ द प्रिजन ऑल्सो द थर्ड थिंग ही डिड वॉज मिस्टर हेमल सेठ की चलिए अब पढ़ाई जारी रखते हैं वी विल नॉट स्टॉप हियर आज जो मुझे करना है मैं पढ़ाऊँगा उन्होंने एक के बाद एक हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ाई फिर उसके बाद कुछ गणित भी पढ़ाया और पढ़ाने लगे ही कंप्लीटेड हिज वर्क ये सब hands कह रहा है दिस इज इज ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ही ही सेज कंप्लीटेड हिज वर्क बट टुडे व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दिस मिस्टर हैमल लुक टू बी वेरी डिफरेंट लुक वेरी पोलाइट और आज मुझे उनकी सब बातें भी समझ में आने लगी कल तक जो इतने कड़क मास्टर लगते थे और डर लगता था और उनकी कुछ बात समझ में नहीं आती आज सब समझ में आ रही थी बिकॉज़ आई ग्रेट टू वॉट ही वॉज टॉकिंग काश मैं ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन रोज रखता कल तक जो मिस्टर हैमल जिनको मैं नफरत करता था आज अचानक मुझसे मुझे उनसे बड़ा स्नेह होने लगा स्टार्टेड वंडरिंग टूडे दोटल चेंज इन माई एटीट्यूड टूवर्ड माई हेड मास्टर इन माईट्यूड टूवर्ड द राउंड टिल द अदर डे दिंग इट ये जो भारी भारी पुस्तकें रोज लाना बड़ा बोझ लगता था आज मुझे ऐसा लग रहा है इन किताबों के साथ मैं परमानेंटली रहू दीज है जो भी हो रहा था आज मुझे उसका उल्टा महसूस हो रहा था और उसका कारण क्या था क्योंकि मिस्टर हैमल का आज लास्ट डे था वह हेडमास्टर जिसने 40 साल से यहां पढ़ाया था उसको विदाई देने के लिए यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे एक्स मेयर भी आया हुआ था एंड सो एंड सो फोर्थ आफ्टर ऑल दिस वॉज ओवर ये सब समाप्त हो गया तब मिस्टर हैमल अपनी जगह से खड़े हुए यह समझाने के बाद यह तीन बातें करने के बाद और उसके बाद ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े एक चौक का टुकड़ा उठाया और उन्होंने वहाँ बड़े अक्षरों में अपने सुंदर अक्षरों में लिख दिया फ्रांस अमर रहे दूसरे शब्दों में अपने अंतिम दिन भी फ्रांस कहता है मेरे हेडमास्टर अपने देश प्रेम को नहीं भूले थे अपनी भाषा को नहीं भूले थे और वो जो जगह थी जहां पर उन्होंने 40 साल निकाले थे उसको वो एक टक एक एक करके देख रहे थे ही वॉज लुकिंग एट एवरी थिंग ऑब्जर्विंग द लास्ट फोर्टी ईयर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैड रिमेन द सेम एक्सेप्ट फॉर प्रॉबेबली ट्रीज हैड है एंड फिनिश ऑफ द टेबल हेड बिकम स्मूथ लगातार रगड़ाई के कारण टेबल कुर्सियों की जो का चिकनापन है वो अच्छा बन गया था ऐसा फ्रेंड्स का कहना था और उसके बाद जब उन्होंने लिखा हेडमास्टर फिर अपने कक्षा की ओर मुड़े और उन्होंने फिर वही बातें की जिसमें देश प्रेम की भावना थी राष्ट्रप्रेम की भावना थी और साथ ही उन्होंने कहा बच्चों आज ये मेरा आखिरी दिन है दिस इज माई लास्ट लेसन दिस इज माई लास्ट डे और ऐसा कहकर उन्होंने फिर बच्चों को कहा अब डिस्पर्स हो जाएं इस कहानी के टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं ये कहानी की खासियत क्या है टर्निंग पॉइंट की यदि बात करें तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट हैंड्स वॉकिंग फास्ट टू द स्कूल एंड लुक्स एट द नोटिस बोर्ड जब वो नोटिस बोर्ड देखता है स्कूल जाते हुए तो उसके मन में जो विचार आते हैं वह पहला टर्निंग पॉइंट सेकेंड हैंड रीचेज द स्कूल एंड देयर आफ्टर ही सीज समथिंग डिफरेंट अनयूजल नॉट लाइक द अदर डेज बट लाइक संडे मानो इतवार हो ऐसा उसको दिन दिखाई देता है थर्ड जब वो कक्षा का दृश्य देखता है तो कुछ अलग दिखता है वेन ही लुक्स एड द क्लास रूम इन साइड द क्लास रूम ही फाइंड दिफरेंट बूढ़े लोग बैठे हुए सब लोग शांत मिस्टर हैमल अपनी कड़क लकड़ी के साथ भी बैठे हुए आवाज कुछ नहीं सब शान फोर्थ हैंज ये सोचने लगता है कि आज हो क्या गया क्या क्या बदल गया आज कितना बदल गया है मेरा स्कूल कितना बदला बदला लग रहा है तो फोर्थ पॉइंट इज हैंज स्टार्ट थिंकिंग वॉट ऑल हैज चेंज टूडे मिस्टर हैमलियर मिस्टर टूवर्समल अप्रोच टूअर्ड मिस्टर हैमल Then, the silence around, then the elderly people sitting at the back, then the flags, where it is written, जिसमें लिखा हुआ है एलजस France, ऐसी कॉपियां जो मिस्टर हैमल लेके आए थे और सबको बांट रहे थे और अंतिम चेंज जो उसने देखा अंतिम बात जो उसको बदली हुई लग रही थी मिस्टर हैमल का खुद का बोलने का तरीका बड़े शांतप्रिय बड़े धैर्यपूर्वक वो सब बातें कह रहे थे यहां तक कि उन्होंने फ्रांस को भी नहीं डांटा दैट इज वॉट फ्रांस फील नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट जब मिस्टर हैमल ने अपनी बातें शुरू की तो उन्होंने जो तीन बातें बोली वॉट ऑल ही सेड थ्री पॉइंट नंबर वन आज अंतिम पाठ है अंतिम दिन है मेरा टुडे इज़ माय लास्ट लेसन एंड लास्ट डे सेकंड पॉइंट द लव फॉर द लैंग्वेज एंड थर्ड बच्चों को जो उन्होंने कहा अफसोस जाहिर किया कि फ्रेंच भाषा में अच्छी तरह नहीं सिखा पाया और उसके जो कारण गिनाए फोर्थ एंड देन ही सेड लॉन्ग लिव फ्रांस उन्होंने कुछ लिखा बच्चों को फिर कुछ बातें कही और चलेगा ये इस कहानी के टर्निंग पॉइंट्स हैं इस कहानी का निष्कर्ष क्या होगा इफ वी टॉक अबाउट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी वॉट दिस स्टोरी इंटेंस टू गिव अस ये कहानी हमें क्या देती है यदि हम इस पे जाएं, तो पॉइंट नंबर वन इट टेल्स अस That we must love our language. Language builds patriotism. Number two, the psychology of the child, बच्चे की जो मानसिकता है वह भी यहाँ दिखाई दे रही है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड थर्ड बच्चे की मानसिकता से यह पता लग रहा है कि यदि वह नफरत कर रहा है तो वह प्रेम भी करना जानता है वही शिक्षक जो उसको बड़े सख्त लगते थे आज उसे बड़े ही आ, बड़े ही प्यारे लग रहे थे वह उन्हें मिस कर रहा था उसको बार बार लग रहा था कि कल से मेरे हेड मास्टर मेरे मास्टर नहीं रहेंगे नंबर फोर मिस्टर हैमल जिन्होंने एक जगह इतने वर्ष काम किया वो जो चीज़ों को मिस कर रहे थे उसका जो विवरण है दैट इज द टर्निंग पॉइंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि युद्ध में क्या क्या बदल जाता है युद्ध दो देशों के बीच और यहाँ पर एक स्कूल बंद होने की कगार पर या युद्ध के परिणाम स्वरूप एक भाषा का हट के दूसरी भाषा का आना और उसका लादा जाना कितना वहां के लोगों को नागवार गुजर रहा था एक बच्चा फ्रेंच नाम का बच्चा भी समझ रहा था कि अब मेरे लिए जर्मन भाषा मेरे पे ला दी जाएगी तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी इन ब्रीफ